भिवंडी की पत्रकारिता में एक नया मुकाम हासिल करने वाले युवा पत्रकार शारिफ अंसारी का जन्मदिन भिवंडी नासिक हाईवे स्थित भाईजान ढाबे पर केक काटकर मनाया गया। बता दें कि शारिफ अंसारी हिंदी वेब पोर्टल इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट IGR, दैनिक मुंबई उर्दू न्यूज, दैनिक हिंद माता मिरर, दैनिक उर्दू सहाफत, दैनिक उर्दू इन दिनों, दैनिक वर्क ताज़ा, दैनिक दबंग दुनिया आदि खबरों का प्रतिनिधित्व करके भिवंडी व कल्याण में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस अवसर पर उर्दू हिंदी पत्रकार संघ के अध्यक्ष पत्रकार अब्दुल गनी खान, जितेंद्र तिवारी, मौलाना असद कासिमी, इंजीनियर नसीम अंसारी, अयाज मोमिन, रवि शिंदे, आचार्य सूरजपाल, अभिजीत हीरे, अमृत शर्मा, मेहंदी हसन मंसूरी, परशुराम पाल, सुल्तान कुरैशी, सुजीत सिंह, नीलम तिवारी, परवीन खान, राजेश यादव, पिंटू त्रिपाठी, हासिम अंसारी, आफरीन हॉस्पिटल के डॉक्टर मेराज मोमिन, डॉक्टर दानिश नूर खान, असरार खान आदि लोगों ने पुष्पगुच्छ व उपहार देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और लंबी उम्र की कामना की। तो वहीं शारिफ अंसारी ने आए हुए सभी शुभ चिंतकों का आभार व्यक्त किया। आज हिंदी उर्दू पत्रकार संघ के एक पदाधिकारी शारिफ अंसारी, जो उर्दू न्यूज़ और हिंद माता जैसे कम 4-5 अखबारों में लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं, उनका जन्मदिन था। और हमारे तिवारी जी, जितेंद्र तिवारी जी, सामना के पत्रकार बड़े भैया, ये भी आए, इसमें बहुत खुशी की बात है। नीलम भी आई, नसीम भाई आए, जनाब आए, मतलब सभी पत्रकार संघ के सभी पत्रकार लोग आए, आचार्य सूरज पाल यादव जी भी आए। तो इसलिए इनके जन्मदिन पे एक छोटी मोटी दावत रखी गई थी, जो हम लोगों ने दावत सभी लोगों ने खाया और अब केक काट कर उनका जन्मदिन मनाएगा। इस खुशी के मौके पर मैं उनको पत्रकार संघ की तरफ से बधाई देता हूँ कि आगे भी इस तरह का जन्मदिन मनाया जाए, हर पत्रकार का मनाया जाए, क्योंकि पत्रकार हमेशा टेंशन में, उलझन में रहता है, दिन भर लिखना और कुछ ना कुछ न्यूज़ इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ा रहता है, इसलिए उलझन में रहता है। तो ऐसा कुछ समय निकालना चाहिए पत्रकारों को कि 1-2 घंटा 3 घंटा मूड उनका फ्रेश रहे, और ऐसा कार्यक्रम रखना चाहिए लोगों को। आज हिंदी उर्दू पत्रकार संघ की तरफ से भाईजान ढाबा में शारिफ अंसारी के जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सबसे पहले मैं संस्था की तरफ से शारिफ अंसारी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको ऐसे ही हौसला प्रदान करें जिस प्रकार से वो शहर में एक पत्रकारिता का एक मिसाल कायम कर रहे हैं, हिंदी के साथ उर्दू अखबार में भी काम कर रहे हैं। दिन भर उनकी जो अखबार न्यूज़ अखबार के लिए काम करने की जो शैली, लोगों का दुख दर्द जो है प्रशासन के नज़र में लाने का जो उनकी कार्यप्रणाली है, उसकी मैं सराहना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको ऐसे ही हौसला और लंबी उम्र दें, ताकि आने वाले समय में हम लोग फिर से ऐसे यही ढाबे पर इनका जन्मदिन मनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शारिफ का मतलब जन्मदिन यहाँ पे जो मनाया गया है, मैं चाहूँगा कि जितने पत्रकार हैं वो तमाम लोग इसी तरह ढाबे पर अपने जन्मदिन को मनाएं, इसलिए कि यही एक ऐसा मौका होता है कि तमाम मतलब जो भाई लोग हैं हमारे पत्रकार भाई, वो एक साथ यहाँ पर जमा होते हैं, एक साथ बैठ के हंसी मजाक करते हैं और एक साथ बैठ के खाना खा के अपना थोड़ा वक्त गुजारते हैं। मैं शारिफ को उसके मतलब यौम जन्मदिन की मतलब मैं शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि मतलब आइंदा भी तमाम पत्रकार लोग यहां पर इसी तरह अपने जन्मदिन को मनाएं। आज बड़े खुशी की बात है, हमारे युवा पत्रकार शारिफ अंसारी, जो कि कई अखबारों की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भिवंडी से, दबंग दुनिया, हिंद माता मिरर, दैनिक उर्दू वर्क ताज़ा, उर्दू इन दिनों, मुंबई उर्दू न्यूज आदि कई 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 अखबारों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं शारिफ अंसारी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये इन्होंने आज एक मिसाल कायम की है कि
नेता लोग ढाबे पे पार्टी करते थे और जन्मदिन मनाते थे, लेकिन हमारे बीच का एक युवा पत्रकार युवा उमंग के साथ जो है आज यहाँ पे ढाबे पे अपना जन्मदिन मना रहा है। मैं सभी पत्रकारों की तरफ से इनको लंबी उम्र की और निरोगी स्वस्थ काया रहे ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई शारिफ अंसारी को जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि इस तरह बार बार इनका यौम पैदाइश मनाया जाए। और उर्दू हिंदी पत्रकार संघ की तरफ से, तमाम मेम्बरान की तरफ से इनको पुरखलूस मुबारकबाद। ये जो आज यहाँ पर जो दावत रखी गई जन्मदिन के मौके पर, तो मकसद इसका खिलाना खाना नहीं था। ये एक तरह से छोटे भाई शारिफ ने भिवंडी थाना डिस्ट्रिक्ट और पूरे महाराष्ट्र के पत्रकारों को एक मैसेज दिया है कि ये जो उर्दू हिंदी पत्रकार संघ है, हम लोगों के दरमियान न कभी कोई भेदभाव, कोई भी ये किस्म का इस तरीके का मामला था और ना है और ना मुस्तकबिल में कभी रहेगा। तो ये दरअसल जन्मदिन के मौके पर दावत रख के एक तरह से मैसेज देने का काम किया गया है कि चाहे वो हिंदी का पत्रकार हो, चाहे मराठी का पत्रकार हो, चाहे उर्दू का पत्रकार हो, चाहे किसी चैनल से जुड़ा हो, चाहे यूट्यूब का पत्रकार हो, सब आपस में एक दूसरे से मेल मोहब्बत भाईचारा बनाकर रखते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जो हम पत्रकारों के दरमियान ये मेल मिलाप भाईचारा जो बना हुआ है, यही मेल मिलाप भाईचारा पूरे शहर के लोगों में बनाए रखें। और इसके लिए हम लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं। एक बार दोबारा मैं शारिफ अंसारी को इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम हम लोग इंशाल्लाह करते रहे। सबसे पहले मैं शारिफ भाई को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि शारिफ भाई स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, हमेशा खुश रहें और जिस तरीके से पत्रकारिता भिवंडी शहर में कर रहे हैं, इससे बेहतर तरीके से करते रहें, ऐसी ईश्वर से कामना करती हूँ। शारिफ अंसारी मेरे मित्र है और ये इनका जन्मदिन है। बड़े बड़बोले हैं मगर दिल के बड़े भोले हैं और हमेशा वो तत्पर रहते हैं, अपनी पत्रकारिता एकदम बारीकी से करते हैं, अच्छी पत्रकारिता करते हैं, साफ़ सुथरी पत्रकारिता करते हैं, हर हमेशा एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरह से पत्रकारिता भिवंडी में चल रही है, ऐसे ही जवानों की ज़रूरत है। नौजवान पत्रकार, युवक पत्रकार भिवंडी शहर में बढ़े और अच्छी पत्रकारिता करें, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं शारिफ, मेरे बच्चे के जैसा है शारिफ को, मैं ढेर सारे मुबारकबाद देती हूँ उसके जन्मदिन का। और बाकी सभी आए हुए पत्रकार भाई जो हैं, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो उसके प्रोग्राम में आए और सब ने मिल के खुशियाँ मनाई। सबसे पहले मैं अपने आए हुए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं सिर्फ यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि भिवंडी के जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो जिस भी संस्थान से जुड़े हो, चाहे वो हिंदी के हो, उर्दू के हो, अखबार के हो, यूट्यूब के हो, या वो जिस भी माध्यम से पोर्टल से या जिस माध्यम से भी वो अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हो, वो सभी जो है एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ रहें। बस मैं ऐसी दुआ करता हूँ क्योंकि कोई पत्रकार छोटा और बड़ा नहीं होता, वो अपनी मेहनत और अपने लगन से आगे बढ़ता है और अपनी काबिलियत से ये साबित करता है कि वो किस श्रेणी का पत्रकार है। मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि मैं मेरे शहर को और मैं मेरी जनता, हमारे शहर के जो वासी हैं, उनके मसलों को कितना अच्छी तरीके से शासन प्रशासन तक पहुँचा सकूँ।